चलो तो जीएसटी की जगह वैट इनेबल करना है, पहले भी बताया था, अभी वैट इनेबल करने के लिए F11 की प्रेस करो फंक्शन बटन, और जैसे ही F11 होगा तो एंटर प्रेस कर दो। अब यहाँ पर जीएसटी को ऑफ रखना है, ये जो जीएसटी है ना, यहाँ पर देखो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको ऑफ रखना है, नो रखना है। और यहाँ पर जैसे ही आओगी तो ये देखो वैट है, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। हम लोग किस स्टेट के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना टिन नंबर डालना होता है, जो भी आपका टिन नंबर है वो डाल दीजिए, मैं डमी डाल देता हूं कुछ भी। और यहाँ पर आपका इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर आएगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी आते हैं वैट को पहले ये करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ सेट ऑब्लिक अल्टर टैक्स ऑब्लिक रेट डिटेल्स, तो यहाँ पर केवल वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करना, एक नई विंडो ओपन हो जाती है। अभी इस तरह की विंडो ओपन होगी तो हमें करना क्या है, अगर आप F12 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये भी एक विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पे सीएसटी की डिटेल को भी आप सेट कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है प्रोवाइड कमोडिटी डिटेल्स, तो अगर कमोडिटी डिटेल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और प्रोवाइड शेड्यूल डिटेल तो ये भी दे सकते हैं। फिलहाल हमें अभी इसकी जरूरत नहीं, इसको हम बाद में समझेंगे, बाहर आ जाइए। और यहाँ पर 5% या 7% कुछ भी लगा दीजिए, और हमने एडिशनल भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशनल टैक्स भी हमने लगाया हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जब हम प्रिंट करेंगे, रिसिप्ट प्रिंट करेंगे, तो उस पर एडिशनल टैक्स का डिटेल भी आएगा। तो यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, और बाकी कंट्रोल ए प्रेस कर दो, ये हो गया। अब कंट्रोल ए प्रेस कर दो फिर से, अब बाहर आ जाओ। अब पहली एंट्री पास करनी है हमको, वी प्रेस कर दो, और यहां पर हमको सीधे चलना है परचेस वाउचर में। ये आ गया परचेस वाउचर में, ये आ गया सप्लायर का इनवॉइस नंबर, वो डेट आ गई जिस डेट पर होगी परचेजिंग। यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ गया, इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लो। यहाँ पर वैट की डिटेल, एंडोर्समेंट और वो सारी चीजें आप डाल सकते हैं, फिलहाल छोड़ रखा है मैंने। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो पहला प्रोडक्ट है हमारा जो हमने बना रखा है कंप्यूटर, तो दो प्रोडक्ट कंप्यूटर के हम परचेस कर लेते हैं। एक कंप्यूटर 10,000 का है, तो दो कंप्यूटर 20,000 का आ ही गया है। अब इस पर पहले से वैट सेट है, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं प्रिंटर, तो आप बना लीजिए प्रिंटर, इस पर हम खुद से रेट सेट करेंगे, ठीक है। एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, यहाँ पे एनओएस कर दीजिए, और यहाँ पे एंटरप्रेस कीजिए, यहाँ पर वाई प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर रेट हम खुद से सेट करेंगे, यानी कि इस पर 5% का टैक्स रेट लगेगा, वैट लगेगा, और बाकी अगर आपको एडिशनल टैक्स देना है तो 1% का दे देते हैं, और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। नीचे पूछ रहा था कि एमआरपी पे वैट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, ठीक है। चार प्रिंटर ले लेते हैं, एक प्रिंटर 15,000 का, 15,000 3,000 में नहीं प्रिंटर आता है, 15,000 करो, बढ़िया प्रिंटर आजकल महंगा हो गया है, हो गया, ठीक है। अब एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, अब एक तो वैट का लेजर बनाएंगे। देखिए मैंने बना रखा है, फिर भी मैं एक क्रिएट कर लेता हूं वर्ल्ड के साथ सी करके, और यहां पे लिखूंगा वैट एट द रेट फॉलोइंग FOLLOWING, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा ये, एंटर प्रेस कीजिए। और ये क्या है, वैट है, आपको याद है सीएसटी जब हम लोग एक्टिवेट कर रहे थे तो रख रहे थे, एंटर प्रेस कर दीजिए, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग रख के एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैट कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब आपको ये पता करना है कि वैट कितना परसेंट लगा हुआ है, तो क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ आई, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे वैट दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं, और फिर नीचे आ जाइए यहाँ पर टैक्स एनालिसिस पर, वैट टैक्स एनालिसिस, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। अब आपको अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है, तो आपको परसेंटेज वाइज सब कुछ दिख जाएगा, कितना कितना परसेंट क्या क्या लगा हुआ है। इसको एक्सेप्ट करा लेने के बाद अब इसका प्रिंट एक बार देख लेते हैं, तो यहां से हमें गेटवे ऑफ पहली पर आना है, एक बार डी प्रेस कीजिए, फिर दोबारा डी प्रेस कीजिए। दो बार डी प्रेस करने से आपको यहाँ पर वो चीज दिखाई पड़ जाएगी, अब शायद यही है वो, एंटर प्रेस करता हूँ एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल यही है। तो अल्ट के साथ पी प्रेस करना है, और एक बार एंटर प्रेस कीजिए, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एक बार और अब एंटर प्रेस कर दीजिए, बस एक बार और जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रीव्यू वाली विंडो दिख जाएगी। और अब आप देखिए कि प्रिंट में क्या क्या आया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये आपका प्रिंटर है, और इसमें अभी टैक्सेस की डिटेल हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो टैक्सेस की डिटेल देखने के लिए क्या करेंगे, यहां से बाहर आ जाएंगे, कॉन्फिग्रेशन पे जाएंगे, और यहां से कॉन्फिग्रेशन में देखिए टैक्स वाला कहां है, टैक्स रेट, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, स्टॉक आइटम हो गया, ये है वैट रेट डिटेल्स, इसको यस कर दीजिए, और शो टैक्स एनालिसिस, तो टैक्स एनालिसिस को भी यस कर देते हैं,
और ये भी यस कर देते हैं, तीनों यस कर दिया, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, तो आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। देखिए दिखाई पड़ रहा है जी, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा दिख रहा है थोड़ा, तो थोड़ा सा आंख गड़ा के देखना पड़ेगा, ये 7% लगा, ये 5% लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट दिखाई पड़ा, नीचवा यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पर आपको पूरा दिखाई पड़ेगा कितना कितना लगा है, सब लगा। एडिशनल टैक्स देखिए दिया हुआ है, ये 2%, 1% और ये 7%, 5% सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरीके से प्रिंट भी अच्छे से निकल जाएगा आपका। आई होप की बात समझ में आई होगी तुमको, आ गया ना, ठीक है।